This time with everyone. वालेकुम सलाम। सो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी का कोई प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। पापा ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, हम जो आजकल क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं ना, वो है बाइनरी सर्च। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो उसी के रिलेटेड है। आप में से किस किस को जो है वो बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है? इसको क्लियर है कि नहीं है, आपने क्या पूछा? क्लियर है, क्लियर है, मुझे क्लियर है। ओके, तो बाकी सबको क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, आप में से वो हाथ खड़ा करें जिनको क्लियर नहीं है ये बाइनरी सर्च वाला। ओके, ओके, क्लियर नहीं है। और बाकी सबको क्लियर है जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? यस मैम। ओके, दैट्स सो गुड। तो आज जी ओके, सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो क्योंकि हम लोगों ने इजी लेवल के काफी क्वेश्चंस किए हैं पीछे। मैम जी, आप एक दफा बाइनरी सर्च का ओवरव्यू करवा दें। ओके ओके, मैं दोबारा करवा देती हूँ। सो हम एक ले लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ये सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। मुझे इसमें से जो है ना वो एलिमेंट सर्च करना है, कंसीडर इट एज के मुझे सर्च करना है 4, ठीक है। अब जो है ना मेरे पास दो तरह के सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है मेरे पास बाइनरी सर्च। वुड एनिमल लाइक टू डिफरेंशिएट के लीनियर और बाइनरी में क्या डिफरेंस है हमारे पास? लीनियर जो है वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाके वो सबको चेक करता रहेगा शुरू से लेके, अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट जो है, या फॉर एग्जांपल अगर बंदे खड़े हुए हैं, 10 बंदे खड़े हुए हैं, तो वो जहाँ पहले बंदे से उनको स्ट्रेट लाइन में खड़ा करेगा और पहले बंदे से आखिरी बंदे तक सबको चेक करेगा और उनका नाम पूछेगा फॉर एग्जाम्पल। और बाइनरी सर्च वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बंदे खड़े हुए हैं, एक वो पहले उनको जो है वो उसमें लेके आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और किसी का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए वाला बी से पहले आएगा, और इस तरह करके उनको वो खड़ा करेगा लाइन में। और फिर वो क्या करेगा, अगर हम लोग मिसाल के तौर पे हम लोग किसी का नाम जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है उसको ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले सबसे लाइन के बीच में जाएंगे और लाइन के बीच में जाके देखेंगे कि भाई अच्छा ये लाइन का बीच है तो बी हमें चाहिए, तो बीच जो है वो लाइन के शुरू में होगा और फिर हम लोग वहां चले जाएंगे। ऐसे करके हम लोग अपनी लाइन को आधा आधा करते रहेंगे तो वो जो है बाइनरी हो जाएगा। या एक्सीलेंट। सो बाइनरी सर्च वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें हमारे पास ये होता है कि हम लोग वन बाय वन एलिमेंट को विजिट करने के बजाय हम लोग सिंपली जो है ना वो अपना मिड निकाल लेते हैं।
मिड, जैसे हम लोग मैथ के फॉर्मूलाज में निकालते थे ना मिड पॉइंट अपना, जिसमें ए होता था एक एंड सेकंड वन इज आवर बी, उसको हम डिवाइड करवाते थे टू से, इसे कह देते थे कि हाँ ये हमारी जो लाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट है, ये दो लाइन है ये इसकी आई डी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इट ए बी, और जो ये सेकेंड थिंग होती थी ना ये हमारे पास होते थे मिड पॉइंट। तो जो ये चीज है ना बाइनरी सर्च, ये भी समझ लें ऐसे ही एल्गोरिथम है, ठीक है, जिसमें जो है ना हम लोग अपना मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के बाद मैं चेक करूंगी कि क्या मेरी वैल्यू जो है वो उस वैल्यू के बराबर होती है जिसको मैं ढूंढना चाह रही हूँ, मतलब सर्च करना चाह रही हूँ। अगर तो वो मुझे मिल जाती है तो हम लोग उसी टाइम पे जो है उसका मिड रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कोडिंग वाले फॉर्मूला में लिखूँ ना तो ये समझा जाएगा लेफ्ट प्लस राइट एंड फ्लोर डिवीजन करके टू, ठीक है, या फिर एल माइनस आर ब्रैकेट में और प्लस एल, ठीक है, और उसको डिवाइड करा दे टू से। तो ये जो चीज है ना मेरे पास ये समझी जाती है कि ये जो है ना वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है, डेट वो यूज इन आवर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो अब मेरे पास इसमें एक चीज होती है, जैसे कि बता रहे थे सर जवाद कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना या फिर वैल्यूज है वो मेरे पास ऑर्डर में होती है, मतलब अगर ए है तो वो पहले होगा, बी बाद में है, सी उसके बाद में है, एक ऑर्डर वाइज जो है ना वो अरेंज हुए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो लेफ्ट साइड है ना वो राइट इस साइड पे हमेशा स्मॉल वैल्यूज लाए करेंगी, एंड जो मेरी राइट साइड है ना इस पे वो करेंगी लाए मेरी बिग वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा थ्री नहीं मिलता, मेरा जो फोर नहीं मिलता, तो वो मुझे डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना कि वो नेक्स्ट कहाँ पर जो है ना मेरा वो ढूंढे, इधर वो लेफ्ट पे ढूंढे या राइट पे ढूंढे। उसके लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन का जो है ना वो यूज करती हूँ कि अगर जो है वो मेरी टारगेट वैल्यू से कम है तो ऑब्वियसली वो किस तरफ लाई करेगी। एनीवन कोई बताए कि वो किस तरफ अप्लाई कर रही होगी उस टाइम पे। अगर आपका जो टारगेट आप ढूंढना चाह रहे हैं वो आपके उससे कम है तो फिर वो उसके लेफ्ट पे होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट को करूंगी कि राइट को करूंगी। आप राइट को खत्म कर देंगी, राइट वाले को इग्नोर कर देंगी क्योंकि आपने लेफ्ट की तरफ जाना है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर एक रोड पे जा रहे हैं, भाई दो रास्ते हैं, तो बजाय कि आपने दोनों तरफ जाके आप ढूंढें, अगर आपको पता चल गया कि वो जगह जो है वो लेफ्ट पे मुझे मिलेगी तो आप राइट वाला रास्ता इग्नोर कर देंगे और लेफ्ट पे चले जाएंगे। वही काम यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल। और अगर मेरी वैल्यू जो है वो बड़ी वाली तरफ होगी तो ऑब्वियसली जो है ये चीज स्किप कर देगा और ये चीज पे जो है ना वो देख लेगा, ठीक है। लेकिन जो जब थ्री का ये वैल्यू गेट करेगा ना मिड पॉइंट, तो ये चीज क्या होगी, मेरे पास इस एरे को दो पार्टीशन मतलब दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर देगी, एक तरफ वो वैल्यूज हो जाएंगी एक तरफ वो। उसके बाद जब सेकंड बारी हम लोग इस पर आइटरेट करवा रहे होंगे ना, तो वैल्यू होगी जहां से मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो बिगर साइड पे होगी तो वो उस हाफ जो मेरी राइट साइड पे लाई कर रहा होगा वहां से स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से, अगर वो स्मॉलर में होगी तो वो यहाँ से शुरू होगी, मतलब इतना पार्ट। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूं तो वो होती है मेरे पास ऑल ऑफ एन में, तो एक सेकेंड सॉरी, ऑल ऑफ एन में, क्योंकि इसमें अगर सॉर्टिंग ना भी अप्लाई हुई हो तो हम लोग सॉर्ट करना पड़ता है, एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है ना उसकी वैसे भी कम्प्लेक्सिटी मेरे पास होती है ऑल लॉग एन। सो सबको ये क्लियर है, अब जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी। मैम वैल्यूज हमेशा सॉर्टेड होंगी, जी वैल्यूज हमेशा सॉर्टेड होंगी। हाँ, अगर सॉर्टेड आपको सॉर्टेड मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो आप उस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे आप सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप बाइनरी सर्च जो है ना वो अप्लाई कर पाएंगे। ओके, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन जिसको समझ ना आई हो तो। ओके कल वाला एक वो क्वेश्चन था जिसकी वो मेरे ख्याल थी महा जो थी, मेरे ख्याल जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी कल वाली, उन्होंने वो कहा था कि वो आज वो उसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम करने वाला सोल्यूशन निकालेंगे कोई।
तो वो एक मैंने निकाला है वैसे, अगर वो उन्होंने कहा था डिस्कस करेंगे वैसे वो आज, आई डोंट नो अगर वो करना है, नहीं हाँ तो ये वो आप आगे आज वाला ना, कर लें। आज जो है ना वो नए सवाल की तरफ पहले देख लेते हैं, अब वो सॉल्व हो गया ना तो उसके बाद जो टाइम बचेगा ना उस पे हम लोग वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है ना मूव करेंगे। ओके मतलब वो ओके जी, वाला बेस्ट ऑफ सवाल जो, बेस्ट। इससे आप लोगों को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस जो है और मिल जाएंगे। मेरे पास जो है ना वो एक सॉर्टेड अरे है, रोटेटेड सॉर्टेड अरे, उसमें से जो है ना मुझे मिनिमम फाइंड करना है। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बाइनरी सर्च की बात कर रही हूँ तो एज ऑब्वियस इसमें जो है ना वो ये बात हो रही होगी कि हाँ कहीं ना कहीं जो है ना मेरा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो सॉल्व या मैं करूंगी। ठीक है, तो अब मैं एक सपोज करती हूँ मेरे पास एक एरे है लेंथ एन की, ठीक है ना, वो असेंडिंग, यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना मेरे पास सॉर्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल 0 से लेकर अगर 8 तक एलिमेंट है ना तो वो यू पड़े हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिकॉज ये मेरे पास जो है ना वो अरेंज है एक ऑर्डर में। अब वो कह रहे फॉर एग्जाम्पल द एरे नम्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 माइट बिकम्स, कि आपके पास जो है ना एक एरे दी गई है इन एलिमेंट्स की, वो कैसे बन जाती है कि अगर आप कंसीडर कर लें, अगर मैं इसे एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्ट करवाती हूँ, मतलब इसको ये 4 बारी जो है ना रोटेट करवाती हूँ, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसको मतलब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है ना, 0 ये वाला एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि अगर मैं इसके इंडेक्सेस को जो है या एलिमेंट को 4 बारी रोटेट करवाऊं इसकी वैल्यूज आगे चली जाए तो मेरे पास ये कुछ इस तरह के ऑर्डर में जो है ना वो दिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसे 7 टाइम्स जो है वो रोटेट करवाऊं तो देन इसका ऑर्डर क्या होगा? सेवन टाइम्स वो डिफरेंट हो जाएगा फिर फिर वही ऑर्डर आ समझ? जाएगा। बिल्कुल, तो क्वेश्चन जरा गौर से फोकस करके देखें कि अगर मैं 7 टाइम कराती हूँ ना, 4 टाइम करने पे जब मेरे पास 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 बन रही है, तो 0, 1, 2 वाले एलिमेंट्स भी जो है ना मेरे पास फर्स्ट पे आ जाएंगे, मतलब वही एरे रिटर्न सेम होके हो आ जाएगा वापस जाएगी। वही, हाँ वही वापस, क्योंकि उसकी लेंथ सेम हो गई। ओके, इंजा आपको क्या क्लियर नहीं हुआ? मैम मुझे भी ये क्लियर नहीं हुआ, कारण थोड़ा सा ये बताएं, जो आपने एरे बनाई है। ओके, मैं आपको ना इसे बताती हूँ। फिलहाल जो है ना आप क्वेश्चन से हट के जरा सोचें। ठीक है, मेरे पास एक एरे दी गई है 0, 1, 2, 6, 7, 9, 8, ठीक है, आप इसके एलिमेंट्स को छोड़ें फिलहाल, ओ सॉरी इंडेक्सेस को छोड़ें, इसमें देखा जाए तो 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 7। सेवन यस अगर मैं इसे 3 टाइम जो है वो रोटेट करवाऊं तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी? 3 टाइम्स रोटेट करने का मतलब ये है जो लास्ट पे 3 वैल्यूज होंगी ना, अगर मैं उनको आगे लेके आऊं, ठीक है ना, मतलब मैंने 1 टाइम रोटेट करवाया, ये 8 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, समझ लें आप कि इसकी वैल्यू होगी अपडेट होके 8, 0, 1, 2, 6, 7, 9, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना सेकंड टाइम जो है ना इसे रोटेट करवाया, मतलब 9 को मैं लेके गई यहाँ पे, ठीक है ना, देन इसकी अपडेट होके बनेगी मेरे पास 9, क्योंकि 9 जो था वो एंड पे था, देन मेरा 8, फिर बनेगा ओके, जीरो आई गॉट इट, थैंक यू। सिक्स एंड 7। अब मैंने इसे अगर 1 टाइम दोबारा रोटेट करवाया तो कैसे बनेगी, कोई बताएगा? मैम फिर बनेगी 7।
और उसके बाद एट, पहले नाइन मैम वो क्लियर नहीं हो रहा ना, सेवन नाइन एट ओके जीरो, अच्छा जीरो भी सिक्स, कुछ इस तरह जो है ना मेरे पास बनी, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई गई थी आपको, ठीक है। तो जो दो एग्जांपल्स है ना उनमें सिर्फ यही हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस ट्वाइस के बाद या इस रोटेट करने के बाद नोटिस दैट रोटेटिंग एन एरे ए जीरो ए वन ए टू, मतलब उसकी एट द एंड ऑफ द एरे टाइम्स रिजल्ट इन द एरे, ये वाला, ठीक है ना। तो अब क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सॉर्टेड रोटेटेड एरे दी गई है यूनिक एलिमेंट्स की। अगर आप इसमें देखें तो कोई भी एलिमेंट जो है वो मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सारे ही जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। मिनिमम एलिमेंट का क्या मतलब है, क्या रिटर्न करवाना चाह रहे हैं? सबसे छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। तो वो इस एरे में अगर देखा जाए तो वो कौन सी है, वो इंडेक्स जीरो पे आएगी, वन, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं इस एरे को देखती हूँ, ठीक है, मुझे कोई बताएगा क्या ये सॉर्टेड फॉर्म में कि अनसॉर्टेड फॉर्म में? अनसॉर्टेड, हाँ। तो अनसॉर्टेड फॉर्म में है, तो अब मैं इस पे उन लोगों ने एक पर कंडीशन दी गई है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम इन ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब मुझे जो है ना बाइनरी सर्च में ये क्वेश्चन करना है, लेकिन बाइनरी सर्च जो है ना वो एक बात पे लाए करती है कि वो उसी चीज पे एल्गोरिथम अपना अप्लाई कर पाएगी जिसकी जो एरे या लिस्ट है ना वो मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में होगी। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो है ना मेरे पास लिस्ट अनसॉर्टेड फॉर्म में है। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला इसके अंदर, सॉर्ट करना है इसको। बिल्कुल, पहला पॉइंट मिल गया कि मुझे जो है ना अपनी इस लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ना है ताकि मैं अपना बाइनरी सर्च वाला जो एल्गो है ना वो इस पे अप्लाई कर सकूं। सॉर्ट का पहले मैं का सबसे बताते थे इसमें, फिर सॉर्ट का ही लग जाएगा टाइम। नहीं, इसमें मतलब खाली ये जो होता है ना कोड में सॉर्टेड फंक्शन लगाना होता है ना, तो पीछे बाकी बैकअप पे काम हो रहा होता है। उसके बाद जो है सॉर्टिंग हुई, ठीक है, एंड जब इस पे बाइनरी सर्च एल्गो लगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो मेरे पास लॉग एन हो गई, मतलब टाइम उस पे लगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर मेरे दिमाग में एक सलूशन आ रहा है, अगर मैं शेयर करूं आपको बताएं वो हो सकता है कि नहीं? हाँ, वो चैट में शेयर कर दे, पहले हम इसको डिस्कस कर ले हैं, फिर उसको भी देखते हैं साथ साथ। ओके, सो अच्छा, अब मेरे पास सेकंड स्टेप हुआ कि अगर बाइनरी सर्च में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कराते हैं और यहाँ पे एक राइट पॉइंटर इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एरे बन गई थी मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 की, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास एक सॉर्टेड एरे आ गई है, मैंने अपना लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करा दिया यहाँ पे एंड अपना राइट करा दिया यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। अब मैं जब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज करती हूँ, मैं अपनी कंडीशन चलाती हूँ कि क्या करो जब तक मेरा लेफ्ट जो है, मतलब मेरा एल, ठीक है, मेरा जो लेफ्ट साइड पे है अगर वो लेस देन है मेरे आर से, तो तब तक मेरी जो है ना वो वाइल लूप चलेगी। जब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने जो है ना वो टर्मिनेट कर जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं अपना स्पेसिफिक नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर वो मिनिमम फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे जो है मिड पॉइंट निकालूंगी एज जो हमने पहले भी पढ़ा है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट फ्लोर डिवीजन करके 2। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्ट क्वेश्चन आया। मैम आपकी वॉइस कट रही है। आई वुड लाइक टू आ
was from all of you. कोई मुझे बताएगा कि ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इसके अंदर? मैम क्या चीज? ओके मैम आई थिंक हम कंटेनर स्लो है, दो मिनट वेट करते हैं मैम स्टार्ट करते हैं. नो सर, मैम आ रही हैं, उनका नेट इश्यू है. क्या थोड़ी देर में उठी आएगी?
जरा नेटवर्क इश्यू था. ओके अच्छा, तो मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी कि मेट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट फ्लोर डिवीजन करके टू. कहीं मुझे बताएगा कि हम ये फ्लोर डिवीजन ये क्यों यूज करते हैं बजाय हम लोग डिवाइड का यूज करने के. मैम मिड निकालने के लिए फ्लोर डिवीजन इसलिए कि पॉइंट्स में वैल्यू ना आए और उसका किस तरह का. बिल्कुल. कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर समझाऊं, फाइव यहाँ पे टू है तो अगर मैं इसको देखूं टू टू जा फोर, ठीक है, यहाँ पे बचता है वन, तो उस जगह के लिए मेरे पास जो है ना वो पॉइंट में वैल्यू आ जाती है. मैं उस चीज को जो हटाने के लिए यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करती हूँ, जिसका क्या मतलब होगा, ये पॉइंट से अगली वाली वैल्यू जो है वो मेरे पास मिस हो जाएगी और जो उससे पहले वाली वैल्यू होगी ना ये इसे कंसीडर कर लेगा. सो इस बात की सबको समझ आई कि हम लोग यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का साइन क्यों यूज करते हैं. यस मैम. यस मैम. ओके सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मिड पॉइंट निकाला, लेफ्ट मेरा है यहाँ पे जीरो पे एंड राइट मेरा है मैम स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दें प्लीज. बड़ी नहीं वो नीचे से नजर नहीं आ रहा ना इनको. एग्जांपल वन जो है वो नीचे जी आप कह रहे हैं सही. थैंक यू. ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये एरे है ना, इसका लेफ्ट है मेरे पास यहाँ और राइट है मेरे पास यहाँ. ये जो है ना सॉर्टेड फॉर्म में वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है ना. तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा निकलेगा ना, लेफ्ट है मेरा जीरो पे एंड राइट है मेरा फोर पे, ठीक है ना. जीरो वन टू थ्री फोर. मैम वॉइस लैग कर रही है आपकी. तो मैं जब टू पॉइंट आया इस मतलब ओके रिस्पॉन्स करें क्लियर है कि नहीं.
सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट अगेन हो गया था. सो मैं कहाँ पर थी मैम? टू डिवाइडेड बाय फोर यहाँ पे आप कर रही थी कुछ. सो मैं मिड पॉइंट निकाल रही थी जिसकी वह बनती है. ठीक है, अब मैं चेक करूंगी क्या मेरे मिड पॉइंट पे वो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है. मतलब मेरा मिनिमम देखा जाए डेट इज वन. अगर वो देखा जाए तो वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ मेरे पास. ठीक है ना, क्योंकि अरे अब सॉर्ट हो चुकी है. तो अभी भी जो मेरा मिड है ना वो मुझे नहीं मिला है. ठीक है ना, सॉरी मेरी वैल्यू मुझे इंडेक्स है. ठीक है, अब देखा जाए तो वो तो करेगा इसे लेफ्ट तरफ मिली के. अब क्या हुआ जब इसने पहली बारी कंडीशन चेक की मेरे पास. मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस मैम. ओके, तो इसने कंडीशन चेक की के नम्स का 2, 3, 4, 5. मैम बात सुनिए जी. मैम हमें स्क्रीन सही नहीं नजर आ रही है, जूम वाली नजर आ रही है और वॉइस भी मैम क्लियर नहीं है. काइंडली वो भी मेरे ख्याल में फिर इशू हो रहा है. अब क्लियर है? फिर गई दोबारा. अब मेरी स्क्रीन क्लियर है मैम? अभी शेयर नहीं हुई, अब हुई है. अब ओके गुड. सो आप क्लियर नजर आ रहा है? यस मैम. ओके गुड. सो अब इसने चेक किया कि क्या सॉर्टेड एरे में मेरा नम्स का जो मिड है फॉर एग्जांपल वो 2 है. ठीक है, तो ठीक है अब वो 2 है तो क्या वो मतलब क्या मेरा जो 3 है ठीक है वो इसके अकॉर्डिंग जो है ना मेरे मिड के अकॉर्डिंग वो 3 वैल्यू बनती है. ठीक है, क्योंकि ये 2 था तो 2 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू देखी जाए ना वो मेरे पास पड़ी है 3. ठीक है, क्या मेरा 3 जो है वो मेरे नम्स के राइट से, नम्स का राइट मेरा है एट द एंड ऑफ माय अरे मतलब यहाँ पे. ठीक है, अब देख रहा है क्या वो मेरा राइट से जो है वो लेस देन है. ठीक है, 5 से क्या मेरा 3 लेस देन है? मैं पूछ रही थी क्या मेरा जो 3 है वो लेस देन है मेरे 5 से? यस मैम. यस, देन इसने क्या किया मेरे जो मिड था फॉर एग्जांपल वो 2 था उसको कंसीडर कर लिया एज आर. ठीक है, मतलब मेरा राइट. अब जो मेरी वैल्यू है ना ठीक है वो 2 वाली वो मेरी चलेगी आर को. अब मेरा आर आ गया यहाँ पे एंड माई लेफ्ट इज एट द 0 पोजिशन. इज इट क्लियर कि ये कैसे आया है? मैम आर वी टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेस और वैल्यूज? एक्सक्यूज मी मैम जी,
मैम इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दैट वी हैव टू मेक एन एल्गोरिथम जो कि ओ लॉग ऑफ एन में हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, बट हम थर्ड लाइन ऑफ कोड में ही हम सॉर्टिंग सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है, एन लॉग एन है, तो फिर तो मैम ये हमारी रिक्वायरमेंट पे के ऊपर उतरेंगे ही नहीं जिन्होंने क्वेश्चन में इनकी रिक्वायरमेंट है. हमें तो कोई ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो हमें लॉग एन में हमें सॉल्व कर दे, तभी हमारे सारे टेस्ट केसेस पास होंगे. तो बाइनरी सर्च जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? नहीं, बाइनरी सर्च की तो है, बट उससे पहले आप सॉर्ट वाला लगा रही है ना, तो सॉर्ट का जो है वो एन लॉग एन है. मिस हमें बाइनरी सर्च में कोई इस तरह की लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हम इनकी जो ये रोटेटेड वाली जो प्रॉब्लम है इसको टैकल कर लें. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमने सॉर्ट कर ही लिया है तो इसमें तो जो मिनिमम हमने फाइंड करना है तो वो इसके इंडेक्स जीरो पे जो आइटम है exactly. वो ऑलरेडी मिनिमम होगा, तो उसको हम रिटर्न कर दें सिंपली. वो वाला सॉल्यूशन तो मैं करके कर चुका, लेकिन वो n log n रिटर्न करता है बिकॉज़ सॉर्ट का फंक्शन जो है वो n log n है. दूसरा वाला जो बेसिकली वो बाइनरी के थ्रू आप इसको सॉर्ट करके वो फिर वो करें ना रिटर्न सबसे पहले वाला एलिमेंट, तो वो होगा log n वाला, कि मतलब आप सॉर्टिंग भी इसके थ्रू करें बाइनरी के थ्रू. तो क्या आपने वो क्वेश्चन किया है? नो मैम. मैम बट हम अगर आप चाहें तो हम इसको कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी आप हमें कोई और टॉपिक या कोई और क्वेश्चन समझा दें. अच्छा ऐसे कर लेती, चलो इट्स ओके. या कोई पुराना आप प्रीवियस क्वेश्चन आप रिवाइज करवा दें अगर किसी को ना समझ में आया हो. मैम अगर आप इसमें से सॉर्ट की नम्स डॉट सॉर्ट खत्म कर दिए तो क्या इसका आंसर ठीक नहीं आता? लेट मी चेक. एक्चुअली मैम हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, रोटेटेड है, तो अगर हम बाइनरी सर्च डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि तो मे बी कोई एक केस दो तीन केसेस वो पास कर ले, बट सारे केसेस वो पास नहीं करेगा क्योंकि बाइनरी सर्च की जो लॉजिक है वो सिर्फ सॉर्टेड पर ही अप्लाई हो सकती है. लेकिन हम इसमें बाइनरी सर्च में हम एवरी टाइम टू पॉइंटर्स लगाकर हम देख रहे हैं कि हमारी कौन सी वैल्यूज स्मॉल है और कौन सी वैल्यू वीक है, तो उस तरह से हम उसको मूव करवा रहे हैं टू पॉइंटर्स को, तो इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नहीं से निकल रहा है. बिल्कुल यही सॉल्यूशन मैंने उनको भेजा करके दिया था ये. ओके मैम थैंक यू मिस सक्रा. हमें अर्ली स्टेज ऑफ कोडिंग पे हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बजाय इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि एटलीस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. दैट्स गुड. सो हम इसी क्वेश्चन को भी फिलहाल कैरी करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो जो प्रीवियस किया है अभी तक, यहाँ तक के हमारे पास मिड कैसे आर को असाइन किया गया है, ये सबको इतनी समझ आ गई थी ना? आप लोग ने कैसे पीछे किया क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा आपकी एज ऑनेस्ट. तो अगर आपको किसी को भी समझ ना आए पॉइंट की तो आप जो है ना वो जरूर पूछ लीजिएगा. सो हम नेक्स्ट जो है ना वो आगे मूव करते हैं. ठीक है. हाँ ठीक है. क्योंकि ये अब सॉर्टेड नहीं रहा तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 4, 5, 1, 2. ठीक है ना. तो इसका पॉइंट जो है ना मोटिव वो अगर मेरे पास एल यहाँ आ जाएगी 5
यहाँ पर कोई और वैल्यू थी, ठीक है। तो अभी चेक करेगा क्या मेरा जो 5 है ना, आर देखूं, दैट इज द एट द एंड ऑफ माय एरे, मतलब 2, ठीक है। ये मेरी पहली कंडीशन जो है ना वो स्किप हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा ही है। देन क्या होगा, क्योंकि ये स्किप होगी, इसके बाद मतलब एल्स वाली कंडीशन चलेगी, जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो मेरे मिड में कर देगा इंक्रीमेंट, ठीक है। मतलब लेफ्ट समझ ले यहाँ पर है, मिड की वैल्यू थी मेरी 2, ठीक है, एंड व्हेन 2+1 इट इज इक्वल टू 3, सो मेरा लेफ्ट आ गया अब यहाँ पे 3 पे, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, इसने मेरी जो है वो यहाँ इस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा इस साइड पे जो है ना वो देखेगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3 and 4। तो मेरा इस साइड पे जो ना वो चेक करेगा, ठीक है। अब जब ये अगेन ऊपर गया, अगेन जाने के बाद इसने देखा कि मेरा लेफ्ट था 3 एंड माई राइट इज, अभी भी मैं अपना राइट को देखूं ना तो वो मेरे पास एट द एंड ऑफ माई एरे मतलब 4 है। क्या ये इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल थ्रू हो रही है। देन ये अगेन जो है मेरा मिड निकालेगा, मेरा अब मिड की वैल्यू क्या बनेगी, कोई बताना चाहेगा? अगर मिड देखा जाए मेरा लेफ्ट प्लस ये मेरा मिड का 3 आनी चाहिए, मेरा लेफ्ट है 3 एंड माय राइट इज 4, तो क्या बनेगी ये? 7। अगर मैं इसे इससे डिवाइड करवाऊं 3 से तो ये बनेगी 6, और पॉइंट वाली वैल्यू को कर देगा स्किप बिकॉज ऑफ लॉ डिवीजन, तो यहाँ आ गया 3। अब जब ये देखेगा मेरे पास क्या मेरा जो नम्स का एम है, ये मैम इंडेक्स नहीं लेगा, ये इंडेक्स ही लेगा लेफ्ट का, मैं मतलब मेरे पास बनेगा 3, ठीक है। एंड क्योंकि ये जब यहाँ पर था इसकी वैल्यू 3 होगी थी ना, एंड जो राइट था ना वो मेरे पास आ गया था 4, ठीक है ना, क्योंकि वो इस इंडेक्स पे पड़ा था। तो वो इसकी टोटल लेंथ अगर देखी जाए मेरे पास 5 है ना, तो 5-1 होती है 4, मतलब ये 4 वाले जो है ना इस पोजीशन पे है, तो आर जो है वो मेरा 4 है एंड लेफ्ट जो है ना वो मेरा है 3। 3+4 = 7, जब 7 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 3। अब जब 3 की वैल्यू अगर देखे तो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रही है, वो मिनिमम जो हम ढूंढ रहे हैं। Yes, ma'am, 3 index पे 1। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या मेरा नम्स का जो एस है मतलब नम्स का मिड 3, ठीक है, जो कि है 1, क्या वो लेस देन है मेरे आर से मतलब 2 से, ठीक है, मेरी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, देन जो है ना वो मेरा इस चीज को कंसीडर कर लेगा। एट द एंड अगर ऊपर जाके देखा जाए मेरी जो ये चीज है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये कंडीशन मेरी हो चुकी होगी फॉल्स, और एट द एंड जो है वो मेरा राइट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इस चीज की सबको समझ आई है? अच्छा मैम एक क्वेश्चन तो जी, मैं इसे पाइथन ट्यूटर पे भी जो है ना वो रन करवाती हूँ, बिल्कुल पूछिए आप। एक क्वेश्चन था कि हम इसमें डायरेक्ट हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अगर हम डायरेक्ट मिन का फंक्शन लगा दें तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा मिनिमम वैल्यू। इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, हम लोगों को इसके अंदर ऐसी अप्रोच लगानी है जो कि ओ लॉग एन में हो। अगर आप ये चीज ना लिखी हो तो आप उसको उस तरह कर सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है और हमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो। ये
ये मेरे ख्याल में वही क्वेश्चन है बिल्कुल. सो अच्छा क्वेश्चन को कोई आप में से जो है वो ड्राई रन करना चाहेगा इन योर ओन वर्ड्स, इससे बाकियों को भी क्लियर होगा और आपको भी मजीद क्लियर होगा. कोई भी छोटी सी कोशिश करना चाहे, मिस बीना, मिस किंजा, सर असगर, क्वेश्चन को क्या करना है? मतलब इसी क्वेश्चन को जो है ना एक बार ही ड्राई रन करवाना है. मैं वन बाय वन करके आइडेंट करूंगी, मतलब नेक्स्ट करूंगी और आपको बताना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, सही है मैम. ओके सर, जवाब आप बताते रहते हैं तो नो डाउट कि मेरा दिल है कोई. जी सर, सर कुर्बान क्या आप बताना चाहेंगे? ओके आई डोंट नो के सर तैयब. यस मैम. सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन में है नाम्स लिस्ट हमारी जो अरे रिजल्ट में फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन में इधर लेफ्ट और राइट को हमने वैल्यू दे दी है जीरो. लेफ्ट जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि उसका जो इंडेक्स है जीरो, और जो राइट है जो लास्ट एलिमेंट है वो आगे. इधर हम वाइल्ड लूप चला रहे हैं, कंडीशन हमने ये लगाई है कि जो लेफ्ट वैल्यू है यानी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन या इक्वल टू होगा लास्ट के. इधर एम है मिड यानी कि मीडियन, यानी कि जो लेफ्ट और राइट जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको हम पहले प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगी, यानी कि लिस्ट या एरे की मिड वाली वैल्यू, और वो फ्लोट में नहीं इंट में आएगी क्योंकि हमने डबल डिवाइड किया है. आगे हमने इफ कंडीशन लगाई है, उसमें हम देख रहे हैं कि इफ अगर नम्स ऑफ एम यानी कि नम्स ऑफ यानी कि मीडियन का जो इंडेक्स है अगर वो लेस देन है नम्स ऑफ आर यानी कि एरे ऑफ राइट यानी कि लास्ट जो एलिमेंट है उससे अगर छोटा है मीडियन तो आर इक्वल्स एम हो जाए, यानी कि जो राइट की वैल्यू हो जाए एम मीडियन के इक्वल हो जाए. एल्स में एल इक्वल्स एम प्लस वन यानी कि एल्स में जो हमारे पास लेफ्ट है उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए एम प्लस वन मीडियन से एक आगे चल जाए. उसमें कंडीशन यही है कि अगर लेफ्ट ये नम्स जो एम जो है अगर लेस देन है नम्स ऑफ आर के तो आर इक्वल्स एम हो जाए एल्स एल इक्वल्स एम प्लस वन, और लास्ट में हम रिटर्न करवा देंगे ये नम्स ऑफ आर यानी कि एरे ऑफ जो हमारे पास राइट है आर. अच्छा ये तो वो कोड के एक्सप्लेनेशन दे दिया ना आपने कि ऐसे ऐसे वर्क करेगा. वर्क फ्लो का नाम सुना है? वर्क फ्लो का नाम सुना है कि कैसे काम हो रहा है अंदर? वो चीज मैं चाह रही हूँ कि वो उसे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने एक जो है ना वो एक एग्जांपल ले एक खिलौना बना रहे हैं, हमने उसको बताया कि हमने उसको ऐसे ऐसे बनाया ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप वो क्ले से बना रहे हैं आप कहेंगे कि मैंने क्ले पहले शेप किया फिर मैंने उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए देन उसको स्टिक किया इस तरह करके. तो जो ये है ना मैं ऐसे बता रही हूँ कि वाइल लूप चली जिसे अगर वो लेफ्ट बता रहा था वो जीरो पे डीप है ठीक है एंड मेरा कंडीशन जो है वो ट्रू होने का रीजन ये है कि मेरी जो लेफ्ट वैल्यू है वो राइट से छोटी है. जो हुआ इसने मिड चेक किया मेरा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट की वैल्यू थी मेरे पास थ्री एंड राइट की वैल्यू थी मेरे पास फोर. थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन. सेवन को जब फ्लोर डिवीजन किया तो मिड मेरा क्या आ जाएगा थ्री, एंड जब ये थ्री आया चेक किया क्या नम्स का मिड मतलब मेरी थ्री वैल्यू नम्स वाली एरे में से देखी जाए वन, क्या मेरा ये लेस देन है मेरे आर से. आर मेरा है फोर मतलब इस जगह पे. जी
मैम तो हमने अब तो सॉर्ट की नहीं, फिर हमारा राइट लेफ्ट थ्री और फोर कैसे हो गया? यहाँ पे जो है ना वो सॉर्टिंग, जब हमने बाइनरी सर्च करते हैं ना, तो मैंने पहले एक बात बोली थी कि ये चीज जो है ना एरे को तोड़ देता है. फॉर एग्जांपल जब मिड निकालेंगे ना तो ये, हाँ तो ये जो है ना ये चीज अलग हो जाती है एंड दिस वन जो है ना अलग हो जाती है. ठीक है. अच्छा मैम एक और बात पूछनी थी, जैसे मीडियन ये ऑड नंबर वैल्यूज का है, मीडियन ऑड वैल्यूज का है तो हम प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कर रहे हैं. अगर ये मीडियन इवन नंबर्स का होता तो हम सिंपल आर डिवाइडेड बाय टू करते. नहीं नहीं जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं ना, मिड पॉइंट मतलब मेरे दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होगी जो कि डिवाइड होती है टू से. हम जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं लाइन के लिए, ए और बी में पास दो पॉइंट दिए गए उनके दरमियान की वैल्यू जो है ना मुझे वो फाइंड करनी है. हम ए और बी को प्लस करके नीचे कह देते हैं डिवाइड करके टू, जो उनसे भी वैल्यू आएगी ना वो मेरा इसका दरमियान है, मतलब मिड पॉइंट है. तो समझ लें दिस इज द मिड वैल्यू नॉट मीडियन. यस ये मीडियन नहीं है, ये जो है ना वो मिड पॉइंट है. ठीक है. ओके मैम. तो जैसे कि यहाँ पे ये एरे, तो अब क्या हुआ जब ये मेरे पास ऐसे चेक करेगा ना, देन ये देखेगा कि हाँ अब इसकी राइट वाली वैल्यू थी टू, अगर मेरा देखा जाए मेरा थ्री, ठीक है मेरा वन जो है वो मेरा लेस देन है मेरे टू से, देन ये क्या करेगा मेरे पास जो है m की वैल्यू डेट इज माई थ्री कंसिडर कर लेगा एज माई r. अब जो r आ गया वो मेरे पास थ्री आ गया. ठीक है. अब ये जब दोबारा वाइल लूप चेक करेगा तो लेफ्ट हो चुका है मेरे पास थ्री, आर भी हो चुका है थ्री, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है. ठीक है. अब देन जब ये अगेन मिड निकालेगा ना तो लेफ्ट प्लस आर मतलब थ्री प्लस थ्री से कितना मिलेगा सिक्स, एंड सिक्स की जब वो अगेन हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करेगा ना तो टू थ्री जा सिक्स होगा, अगेन थ्री आया. ठीक है. थ्री जब ये अगेन आएगा ना मेरे पास तो अभी भी वही चीज आई जो कि थी वन. ठीक है. अब वन चेक किया कि क्या मेरा नम्स का एम मतलब थ्री ये चीज क्या लेस देन है इससे. ठीक है. अब ये क्या करेगा एल्स वाले केस में मूव कर जाएगा और लेफ्ट जो है वो मेरे पास हो जाएगा एम प्लस वन मतलब हो जाएगा फोर. अगर मैं यहाँ देखूं वाइल कंडीशन मेरी तो लेफ्ट हो चुका है फोर और राइट मेरा हो चुका है थ्री, कंडीशन मेरी होगी फॉल्स ऐसे ही है. तो देन ये मेरे पास नीचे आके क्या कर देगा रिटर्न कर देगा मेरा नम्स का आर That is my थ्री. ठीक है. मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम वाली वन. ठीक है. अब यहाँ देखे जाए वन है और एट दी एंड मेरे पास आगे वैल्यू इसकी वन मिनिमम वाली. तो ये सबको क्लियर हुआ कैसे वर्क कर रहा है ये? थोड़ा थोड़ा. ओके. इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर ना, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो रही होगी. हमारी बिल्कुल न्यू है ये. किस चीज की मैम? आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हम पे, हमारे लिए बिल्कुल न्यू चीज है. इट्स ओके. जब आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी बिग टेक कंपनी में बैठे होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे ही हो रही होगी. सो इट्स ओके, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबको कंफर्म है, ऑल ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है. आई विल शेयर द कोड विद यू. टाइम इज ओवर. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.